तमाम तर एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम जनाब चरण सिंह बशर साहब की खिदमत में। आप उनका खैर मकदम कीजिए, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए और मोहब्बतों से उन्हें समाअत कीजिए। मोहतरम जनाब चरण सिंह बशर साहब आपकी खिदमत में महमूदाबाद। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ। मेरा एक मिशन है और उसी मिशन के तहत मैं ये चार मिसरे जहाँ भी जाता हूँ पढ़ता हूँ, आप लोग भी समाप्त करें और अगर बात सही कही गई हो तो तायीद करें। इजाज़त अर्ज क्या है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। इको कम। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने हौसला दिया। ये बात तय है, ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है। ये बात तय है। दूसरा मिसरा आ रहा है, उसकी हिफाजत करें। ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है, मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है, मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है। और निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेलने वाला है, वो और है जो तेरी नाव खेलने वाला है। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेलने वाला है। एक शेर मेरा दोस्तों आ रहा है, अमार भाई बैठे हैं माजत के साथ, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। वो और है जो तेरी नाव खेलने वाला है, वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था, वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था, मुझे यकीन है फिर दाव देने वाला है। वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था, मुझे यकीन है फिर दाव देने वाला है। और उसी बशर को जमाना फकीर कहता है, उसी बशर को जमाना फकीर कहता है जो बादशाहों को खैरात देने वाला है। उसी बशर को जमाना फकीर कहता है जो बादशाहों को खैरात देने वाला है। एक मतलब बतौर खास आपकी नज़र करता हूं, ये सच आज तकरीबन 75-76 साल आजादी के हो गए दोस्तों, जिस सफ में आप खड़े हुए हैं उसी सफ में ये कौम पीछे आके खड़ी हो गई। यहां से ये मतलब सुनिए, बतौर खास ये मतलब आपकी नज़र कर रहा हूं अनीस भाई, ये सच बैठा है। हालात तो ये है कि आज हमें सबूत देना पड़ता है,
हमारे हिंदुस्तानी होने का। ये सच तो टूट के कब तक बिखर गया होता, ये सच तो टूट के कब तक बिखर गया होता अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से, ये सच तो टूट के कब तक बिखर गया होता अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। और जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, खुदा के दर पे जो झुकता समर गया होता है। जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, खुदा के दर पे जो झुकता संवर गया होता। मतला एक और दे रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा और जुड़े मेरे साथ खास तौर से इस मतले के हवाले से। मुसलसल दुश्मने जहां की निगेबानी में रहना है, मुसलसल दुश्मने जा की निगेबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं। प्रोफेसर नैयर साहब तशरीफ रखते हैं यहां पर। प्रोफेसर नैयर साहब जब बोलते हैं तो यकीन जानिए सुनने को जी करता है। अल्फाज उर्दू के हाथ जोड़कर उनकी जबान से अता होते रहते हैं, बहुत बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं। मैं नैयर भाई ये शेर, इसमें एक अगला शेर आ रहा है, वो आपकी नज़्र करता हूँ जी, मैं हाजिर करता हूँ कि मुसलसल दुश्मने जहाँ की निगेबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। इधर मेरी तरफ देखें, इधर दोस्तों मेरी तरफ देखें, उधर कुछ नहीं है। और ये शेर दे रहा हूं, इसको सुनिए। मुसलसल दुश्मने जहां की निगेबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। फिर उसके बाद बहुत गए। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। जलजलों की जद पे है ऊंचे मकान ऊंचे महल, जलजलों की जद पे है ऊंचे मकान ऊंचे महल, ऐ जमीन वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। ये लड़का जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, बहुत हिम्मत का है, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक ये करता रहेगा।
ऐ जमी वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। एक शेर अनिल भाई, मैंने ये कहा प्रोफेसर साहब अमर भाई, एक शेर मैं हाजिर करता हूं इसी गजल का। ऐ जमी वाले फलक की सैर करना छोड़ दे, उस परवरदिगार से किस किस अंदाज से जुड़ा जा सकता है। एक छोटा सा इशारा इस शेर में मैं देता हूं। ऐ जमी वाले फलक की सैर करना छोड़ दे, गर्दिशे दुनिया गमे दौरा में एक तेरा ख्याल, गर्दिशे दुनिया गमे दौरा में एक तेरा ख्याल, भीड़ में जैसे कोई बच्चा अकेला छोड़ दे, भीड़ में जैसे कोई, गर्दिशे दुनिया गमे दौरा में एक तेरा ख्याल, भीड़ में जैसे कोई बच्चा अकेला छोड़ दे। और दोस्तों, जिस शेर के लिए शेर सुना रहा था, समाप्त करें कि भीड़ में जैसे कोई बच्चा अकेला छोड़ दे। दोस्तों, शेर हाजिर करता हूं, जिम्मेदारी आपकी, बस यही शेर सुनाना चाहता था, इसके बाद अपनी जगह लूंगा। कि भीड़ में जैसे कोई बच्चा अकेला छोड़ दे, फूल था मैं मुझको एक काटा बना कर रख दिया, फूल था मैं मुझको एक काटा बना कर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे।